हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सीपी मिश्रा और चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज लोअर पीसीएस का एक डेमो देने जाएंगे। लोअर पीसीएस, जैसा आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है लोअर पीसीएस डेमो और नीचे लिखा हुआ है ज्योग्राफी, यानी हम भूगोल का एक डेमो देने जाएंगे। तो इस डेमो में हम आपको बताएंगे कि लोअर पीसीएस में ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या इम्पोर्टेंसी है ज्योग्राफी की। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस बार लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा हो रहा है, तो जिसमें ये तय किया गया था कि जब लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होगा और अधीनस्थ यदि कराएगा तो अधीनस्थ में वो वैकेंसी रखी जाएगी जिसमें जो है इंटरव्यू नहीं होगा, तो इसलिए इसमें केवल प्री हो सकता है या संख्या अधिक होने पर इसमें मेंस भी कराया जाएगा, जिसमें ज्योग्राफी दोनों पोर्शन में ज्योग्राफी रखा गया है। ठीक, तो ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंसी ज़्यादा है। आपको बता भी दें कि 2013 में 65 क्वेश्चन केवल ज्योग्राफी से आए थे और जिन्होंने ज्योग्राफी अच्छी से पढ़ी थी वो केवल ज्योग्राफी की क्वेश्चन नहीं से ही सेलेक्ट हो गए थे। तो निश्चित रूप से ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। तो क्या होगा ज्योग्राफी में, क्या पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी में, कहाँ से शुरुआत होती है ज्योग्राफी की, एक थोड़ा सा हम आपको डेमो देना चाहते हैं इसके बारे में, ताकि ज्योग्राफी को आप समझ सकें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज्योग्राफी इस वजह से नहीं पढ़ना चाहते कि उनको समझ में ही नहीं आएगा क्या पढ़ाया जाता है इसमें, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा कठिन होता है। मैपिंग से क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं जिसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये मैप कैसे तैयार कराया जाए। ये सारी चीज़ों को हम आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। डेमो में आज हम सिर्फ ये बताएंगे कि क्या हमको ज्योग्राफी में पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और जब हम आपको रेगुलर क्लास शुरू करेंगे तो आपको दो तरीके से पढ़ाएंगे। एक तो ये कि जितने भी सिलेबस में आपके चैप्टर रखे गए हैं वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन, और प्लस उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो पूरा टॉपिक बताएंगे। दूसरा काम हम करेंगे आपको मैपिंग करवाने की। आप एक एटलस रख लीजिएगा, हम यहाँ से मैपिंग देंगे और आप उस एक आउटलाइन मैप, मार्केट में जो आउटलाइन मैप मिलता है उस मार्केट में आउटलाइन मैप ले लीजिएगा। हम यहाँ कुछ मैपिंग करने के लिए देंगे और आप उसको मैपिंग भी करिएगा। जो भी चीज़ें हो सकेंगी मैं कोशिश कराऊंगा कि आपको मैपिंग भी यहीं से कराता चलूँ, क्योंकि ज्योग्राफी में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो मैपिंग से आते हैं। नदियाँ, पर्वत, पठार, उनका लोकेशन कहाँ क्या स्थित है, ये सारी चीज़ें उसमें हम मैप से कराएंगे। तो यहाँ हम एक डेमो देकर ये बताना चाह रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है ज्योग्राफी में। बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पाते कि हमको पढ़ना क्या है, तो आज हम एक शॉर्ट में एक डेमो देखें कि ज्योग्राफी में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिएगा मित्रों, इधर आते हैं। ज्योग्राफी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ज्योग्राफी लिखा हुआ है, ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। यदि हम इंग्लिश वर्जन को लें तो ज्योग्राफी की बहुत अच्छी व्याख्या इंग्लिश में ही की गई है, क्योंकि भूगोल का मतलब तो भूगोल यानी भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोलाकार, गोलाकार पृथ्वी है। लेकिन सही भूगोल की जो व्याख्या है वो ज्योग्राफी ही करता है। कैसे? जैसे ज्योग्राफी हमने शब्द लिख लिया, ज्योग्राफी दो शब्दों से बना, जियो और ग्राफी। ठीक, तो जियो का जो मतलब होता है वो है पृथ्वी, आप जानते भी होंगे जियो का मतलब हुआ पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक, तो ज्योग्राफी का मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन करना, ये मतलब हुआ। अब ये समझिए कि पृथ्वी का वर्णन करना है तो पृथ्वी क्या है ये भी जानना जरूरी है, तो हम आपको बताएंगे पृथ्वी क्या है, फिर पृथ्वी में हमको किसका वर्णन करना है, कितनी गहराई तक वर्णन करना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। चलिए हम एक शुरुआत कर देते हैं आपको। ये हमने एक पृथ्वी का आउटलाइन बना दिया है, एक पृथ्वी बना दी है। ठीक, अब इस पृथ्वी में हमको क्या पढ़ना है, पृथ्वी में ज्योग्राफी में किसका वर्णन करना है। तो जैसा हम आप देख रहे होंगे वीडियो में, हमने तीन चीज़ें लिखी हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, और ये तीन चीज़ें लिखी हैं। आपको बता दें कि पृथ्वी एक ग्रह है, आप इस चीज़ को जानते होंगे कि पृथ्वी एक ग्रह है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, उन्हीं 8 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी है, और इन्हीं 8 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी जो है उस पर चूंकि जीव पाया जाता है इसीलिए इस पर जीवधारी स्थित है, या जीवधारी उस पर पाए जाते हैं, मानव भी एक जीवधारी है और इस पर स्थित है, इसलिए इसका वर्णन हम करते हैं। तो देखते हैं पृथ्वी में हमको क्या वर्णन करना है। हमने बताया कि पृथ्वी के तीन पार्ट हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो पृथ्वी के अंतर्गत हमको इन्हीं तीनों का वर्णन करना होता है। स्थलमंडल का वर्णन करना है,
जलमंडल का वर्णन करना है और वायुमंडल का वर्णन करना होता है। स्थलमंडल और जलमंडल आप देख रहे होंगे हमने बनाया है। जलमंडल को हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल कहाँ तक पाया जाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 3/4 भाग पर, याद रखें ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, कितने प्रतिशत भाग पर? 3/4 भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और यह जल आकाश से ऊपर से नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है क्या? नीला ग्रह। ठीक, तो 3/4 भाग पर जलमंडल पाया जाता है। तो जलमंडल से क्वेश्चन जो बनते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी हम व्याख्या करेंगे। जो क्वेश्चन आए हुए हैं या जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। क्या टॉपिक इसमें पढ़ाया जाएगा उसकी चर्चा करेंगे। अगला देखिएगा स्थलमंडल पर। स्थलमंडल मतलब कि जो पृथ्वी का ठोस भाग है उस पर देखेंगे। इस स्थल भाग पर पर्वत हैं, पठार हैं, नदियाँ हैं, भूकंप के द्वारा कई प्रकार की आकृतियाँ बन जाती हैं, ज्वालामुखी हैं, इनसे सारे क्वेश्चन बनते हैं। नदियाँ निकलती हैं तो नदियाँ कहाँ, कौन किससे मिल रही हैं, कौन नदी किस देश में बहती है, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है, और इन सबको न सिर्फ हम यहाँ पढ़ाएंगे बल्कि इसका एक आउटलाइन मैप आप ले लीजिएगा, इसकी हम मैपिंग भी बराबर कराते जाएंगे ताकि आप इसके सही लोकेशन को समझ सकें। अगला पॉइंट देखिएगा वायुमंडल का। पृथ्वी के चारों तरफ आप देख रहे हैं, हमने बना भी दिया है, एक वायुमंडल बना दिया है। इस वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, उन गैसों का कैसा संगठन है, यहाँ क्योंकि गैसों के संगठन से ही जलवायु निर्धारित हो जाता है। पृथ्वी पर सूर्यातप कैसा होता है, उन्हीं सूर्यातप और वायुमंडल के प्रवेश से जलवायु बनता है, और वो जलवायु से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी सबकी हम चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको ज्योग्राफी में पूरा डिटेल बताएंगे। अब हम थोड़ा सा आपको चर्चा ये करेंगे कि क्या ज्योग्राफी पढ़ाते समय बहुत सारे बच्चे इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हमको कहाँ कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो आइए हम आपको ले चलते हैं कि हमको ज्योग्राफी में क्या पार्ट पढ़ना होता है। पहले हमको ये तो क्राइटेरिया तो पता हो कि हमको क्या क्या पढ़ना होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल भी देते जाएंगे। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देंगे और उसी एग्जाम्पल के जैसे हम क्वेश्चन फिर आगे पढ़ाते जाएंगे। आइए चलते हैं। यहाँ देखिएगा, हमने ज्योग्राफी को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश की है। ज्योग्राफी क्या होता है? ज्योग्राफी को हमने बताया है कि प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल के रूप में दो तरीके से, आपको बता दें कि ज्योग्राफी यानी पृथ्वी पर जो एक्टिविटी है वो दो लोगों की है। एक प्रकृति ने यहाँ पर एक्टिविटी की है, यानी प्रकृति ने अपना कार्य किया है, और दूसरा प्रकृति के बाद मानव ने कार्य किया है। तो जो प्रकृति ने कार्य किया है इस पृथ्वी पर उसे हम प्राकृतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। जो एक्टिविटी पृथ्वी पर प्रकृति ने की है उसको हम प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। इस पृथ्वी पर मानव की भी एक्टिविटी है, जैसे मानव ने खेती करना शुरू किया, मानव ने पशुपालन किया, मानव खनिज निकालना शुरू किया, मानव उद्योग लगाना शुरू किया। तो ये जो मानव की एक्टिविटी है उसको हम किसके में बताएंगे? मानव भूगोल में है। ठीक, तो प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये दोनों टॉपिक से हम क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो ये हमको दोनों देखना होगा। कैसे देखना होगा? ये दोनों चीज़ें यानी प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये दोनों चीज़ें हमको विश्व के रेफरेंस में भी देखना है और भारत के भी रेफरेंस में देखना है। यानी विश्व का प्राकृतिक भूगोल कैसा है, विश्व में कौन से पहाड़, पर्वत, नदियाँ कौन कहाँ स्थित है, पठार कौन से स्थित हैं, उसको हमको समझना होगा। और भारत में भी कौन सी नदियाँ, पर्वत, पठार, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमको दोनों चीज़ें देखेंगे क्योंकि यहाँ दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार मानव भूगोल में कृषि, पशुपालन, खनिज उद्योग, ये विश्व के भी रेफरेंस में देखना होगा कि विश्व की कृषि कहाँ पर कैसी हो रही है, विश्व में पशुपालन कहाँ पर कैसे हो रहा है, विश्व में कौन सा खनिज कहाँ उत्पादित हो रहा है, और विश्व में कौन सा उद्योग कहाँ पर लगा हुआ है, ये विश्व के रेफरेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, भारत के रेफरेंस में भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत में कहाँ पर कौन सी कृषि हो रही है, पशुपालन कौन सा हो रहा है, खनिज कौन से कहाँ पर निकाले जा रहे हैं, और कौन से उद्योग लगाए गए हैं। तो ये कुल मिलाकर मानव भूगोल से दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब थोड़ा सा हम और आपको डिटेल में ले चले रहे हैं, अंदर ले चल रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा कि फिजिकल ज्योग्राफी को हमने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया आपको समझने के लिए। क्या, जैसे प्राकृतिक भूगोल में हमने भूआकृति विज्ञान को रख दिया, इधर वायुमंडल को रख दिया, जलमंडल को रख दिया, और जैवमंडल को रख दिया जिसे हम पर्यावरण भी कहते हैं, एनवायरमेंट भी कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भूआकृति में कौन कौन से टॉपिक हैं, अब इसके अंदर भी हम आपसे को ले चलते हैं। भूआकृति में जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है,
पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हमको जानकारी कैसे मिलता है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जो तत्व पाए जाते हैं या पृथ्वी के क्रस्ट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से लेकर कई टॉपिक से बनते हैं और कई टॉपिक से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमको सब पढ़ना नहीं है, क्या जरूरी है ये चीज़ें हमको जाननी है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर हम क्वेश्चन करेंगे और इसको आंतरिक संरचना को हम बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको अंदर पृथ्वी के अंदर की चीज़ों को हम समझते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमने यहाँ रखा है चट्टान। चट्टान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चट्टान कितने प्रकार की होती है, चट्टान में आप जानते हैं कि बेसिकली तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित शैलें। कि कौन कौन सी चट्टानें आग्नेय में आती हैं, कौन सी अवसादी में आती हैं, कौन सी रूपांतरित चट्टानें होती हैं, तो इन सब का बेसिक हम बताने की कोशिश करेंगे और कौन से चट्टान कब रूपांतरित होकर क्या बनती है ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो चट्टान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ हम चट्टान को बताने की कोशिश करेंगे। फिर पर्वत, विश्व के रिफरेंस में हमें बताया कि विश्व के रिफरेंस में कौन से पर्वत कहाँ पर स्थित हैं और भारत के रिफरेंस में भी, भारत से भी बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी भारत में पर्वतों का क्रम ही पूछ लिया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन बराबर बनते हैं। तो ये सिर्फ न सिर्फ हम पढ़ाएंगे पर्वत बनते कैसे हैं, किस प्रकार के पर्वत होते हैं, बल्कि आपको आउटलाइन मैप भी करवाएंगे। इसके लिए आपको दो चीज़ें करनी होंगी, ये कि एक आउटलाइन मैप लेना होगा, आउटलाइन मैप और एक एटलस आपको रखना होगा। हम यहाँ जो है कुछ आउटलाइन मैप के लिए आपको वर्क दे देंगे कि आपको ये चीज़ें आपको फिल करनी है उसी आउटलाइन मैप में। एटलस को देखकर आप एटलस देखते रहिएगा, उसकी क्या लोकेशन है, कहाँ पर कौन सा पर्वत है, कहाँ पर कौन सा पठार है, कहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, कौन सी नदी कहाँ पर निकल रही है, वो लोकेशन हम आपको कराते रहेंगे। तो वो लोकेशन आपको ध्यान में रखना होगा और इससे आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं वो गड़बड़ नहीं करने पाएंगे। दूसरा, नदियों से क्वेश्चन आते हैं, नदियों का भी एक आउटलाइन मैप बनवाएंगे हम, कौन सी नदी उत्तरी अमेरिका में कौन सी है, दक्षिणी अमेरिका में कौन सी नदी है, यूरोप में कौन सी नदी है, अफ्रीका में कौन सी नदियाँ हैं और एशिया की कौन कौन सी नदियाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं और कहाँ गिर रही हैं, किस प्रकार का डेल्टा बना रही हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ नदियों से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाएगा। अगला टॉपिक देखिएगा वायुमंडल से क्या क्वेश्चन, एक तो गैसों की स्थिति क्या है, गैसों में पृथ्वी में जो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उनका संगठन कभी कभी पूछ लेता है, कौन सा तत्व सब कौन सा कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कभी कभी इन गैसों का अनुक्रम भी पूछ लेते हैं, आरोही अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करिए, वहाँ से देखते हैं। जलवायु के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं कि कौन सी जलवायु कहाँ पर, तो हम कोशिश करेंगे आपको कि कौन सी जलवायु है और वह कहाँ पर स्थित है, एक वर्ल्ड मैप बनाकर आपको जलवायु भी बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी जलवायु कहाँ पाई जाती है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी भी हम चर्चा करते जाएंगे। जलमंडल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सागरीय नितल से पूछे जाते हैं, उसमें महाद्वीपीय मगर तट के बारे में, महाद्वीपीय ढाल के बारे में, गहरे सागरी मैदान के ट्रेंच या खाई के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी लवणता और महासागरीय तापमान से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सबको हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और महासागरीय धाराओं को लेकर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कई बार हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि इन धाराओं को हम कैसे याद करें, कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी धारा है, एक कंसेप्ट बताएंगे, एक वर्ल्ड मैप बनाकर सारी वर्ल्ड मैप के अनुसार आपको एक कंसेप्ट दे देंगे और यदि आप सही लोकेशन सारी धाराओं की सही लोकेशन समझ गए तो कभी आपके मन में कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा कि कौन सी धारा गर्म है कौन सी ठंडी, यदि आप इस कंसेप्ट को समझ गए। और इन धाराओं के माध्यम से भी हम दो चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, एक तो विश्व में मत्स्य उद्योग जो है यानी मछलियाँ कहाँ सबसे ज़्यादा मारी जाती हैं या पाई जाती हैं, मत्स्य पालन कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है उसको समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो धाराओं से ही रिलेटेड है। और दूसरा, इसी से हम आपको मरुस्थल को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा मरुस्थल कहाँ स्थित है और उसके पीछे धाराओं का क्या रोल है, तो ये कोशिश होगी कि आपको धाराओं के माध्यम से मरुस्थल को भी समझाया जा सके। आइए देखेंगे अगला जैवमंडल को, जैवमंडल जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं तो पर्यावरण से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि पर्यावरण इसमें सबसे सेंसिटिव टॉपिक बन गया है, पर्यावरण को लेकर जिस तरीके से विश्व में स्थिति बन रही है या जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के तहत वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, सारे देशों की चिंता और भारत की भी चिंता, तो कोशिश ये हो रही है पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता बच्चों को पेपर के माध्यम से ही बढ़ाया जाए और
पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो पर्यावरण से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैव विविधता से, पर्यावरण से, जलवायु परिवर्तन को लेकर, कौन सा गैस किसके लिए जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, कौन ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कौन कितनी इंपॉर्टेंसी रखती हैं ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस टर्मिनोलॉजी क्या है, ये कहाँ से आया है, क्यों ग्रीन हाउस इसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। जितने क्वेश्चन अभी तक लोअर में आए हुए हैं उसको भी हम एक तरीके से यहीं हल कराने की कोशिश करेंगे। हम एक थोड़ा सा आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम बना रखे हैं और किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बनता है उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमने बताया था यहाँ भू आकृति विज्ञान से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो भू आकृति में हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक वायुमंडल का क्वेश्चन लिया है, एक जलमंडल का क्वेश्चन लिया है, एक जैव मंडल का क्वेश्चन लिया है और एक भारत के भूगोल से क्वेश्चन लिया है। एक हम एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं आपको कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, और कुछ मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं तो मैपिंग हम करवाते जाएंगे आपको, आप करते जाइएगा उसको, और जितने क्वेश्चन मैपिंग से बन सकते हैं वो हम पढ़ाते समय या मैप देते समय उसकी चर्चा करेंगे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है मैप से, आप भरते समय उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको पढ़ाएंगे तो उसमें ये बताएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसके क्रस्ट में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसके अंदर पूरे होल यानी संपूर्ण पृथ्वी में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तब ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आप इसका उत्तर आसानी से दे सकेंगे। दूसरा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। जब हम वायुमंडल वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो गैसों का संगठन बताएंगे, जिसमें बताएंगे कौन सा गैस कितना पाया जाता है, कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, क्या लेयर्स है वायुमंडल में, क्या लेयर बनाई गई हैं, तो वो सारी लेयर्स बताएंगे और उसमें बताएंगे कि कौन सी गैस कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है और कौन सा गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तीसरा, हमने जलमंडल से जो क्वेश्चन लिया है वो सागरीय जल की क्या औसत लवणता कितनी है। आप जानते हैं कि सागर का जल खारा होता है, यह खारापन आता कहाँ से है, ठीक ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये आता कैसे है और खारेपन में क्या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। ये सागर का जल खारा क्यों है और किस कौन सा तत्व तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे हमने यहाँ एक लिया है, साधारण सा क्वेश्चन लिया है कि सागरी जल की औसत लवणता कितनी है। तो लवणता, चूँकि हर जगह लवणता समान नहीं है, अलग अलग जगहों पर लवणता अलग अलग है, यदि हम उसका एवरेज निकालें तो वो एवरेज कितना है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे, कहाँ पर कितनी लवणता पाई जाती है, किस महासागर में कितनी लवणता पाई जाती है और किस सागर में कितनी लवणता पाई जाती है। बहुत सारी खारी पानी की झीलें हैं, उन झीलों को भी बताएंगे कि कौन सी झील कहाँ पर स्थित है और कौन से खारे पानी की है, उसकी लवणता कितनी है। ये सारे क्वेश्चन जो चूँकि वहाँ से बनते हैं तो हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता। जैसे एक क्वेश्चन जैव मंडल से हमने लिया है कि जैव मंडल से लिया है कि जैव मंडल में जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो जब हम आपको जैव मंडल पढ़ाएंगे यानी एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे तो जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ये सारी बाई मैप भी हम बताने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। जब हम आपको भारत का भूगोल पढ़ाएंगे और उसका प्राकृतिक विभाजन बताएंगे तो यह क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे हम पढ़ते भी चले आ रहे हैं कि भारत को 5 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है, एकदम गलत। और बहुत सारे हमने देखा है कि जो GS की जो किताबें हैं उसमें वही लिखा हुआ है, और यदि यह क्वेश्चन मुझे ही लिया जाए कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है तो आपको बता दें कि भारत को केवल 4 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन GS की जितनी किताबें लिखी हुई हैं वो वही बराबर प्राकृतिक 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। भारत को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, और कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें चारों भाग पाए जाते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ भारत से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, चाहे वो प्राकृतिक भूगोल से हो या मानव भूगोल से, सारे क्वेश्चन हम हल करवाने की कोशिश करेंगे और प्लस भारत की मैपिंग करवाएंगे। भारत में कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है, कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है, भारत में कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे और कोशिश होगी कि बहुत कम टाइम में बहुत सार तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा सकें। थैंक यू दोस्तों, और हम कोशिश करेंगे आप जो है इसको पसंद करेंगे, और पसंद करेंगे इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एक व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप आइएगा, वहाँ आप सब्सक्राइब करिएगा 8299310997, इस पर व्हाट्सएप नंबर पर जाइएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।